नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। मकर संक्रांति वो दिन जब सूर्य की उपासना और दान का कई गुना फल मिलता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ ऐसी ही अद्भुत बातें जिनके जरिए आप अपने भाग्य के सितारों को और भी बुलंद कर सकेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। स्नान और दान के पावन पर्व मकर संक्रांति की क्या है महिमा, आप भी जानिए। संक्रांति हमारे पौष मास के चतुर्थी तिथि को दिन सोमवार दिन में 9:15 पे सूर्य अपने मकर राशि में प्रवेश कर रही है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि सूर्य शनि के पिता हैं और इस दिन ही सूर्य अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, क्योंकि सूर्य शनि जो हैं वो मकर राशि के देवता माने गए हैं और सूर्य इसी दिन प्रवेश करता है शनि की राशि में, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन का महत्व इतना बड़ा है कि इस दिन स्नान और दान से तमाम जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा गया है, शरीर की आत्मा सूर्य है और जिस प्रकार से आत्मा प्रबल जब होती है, लग्न प्रबल होता है तो हमारे जीवन में हर ऊंचाइयां हमें प्राप्त होती है, इसलिए सूर्य का ज्योतिष में बड़ा ही महत्व है और वेदों में भी सूर्य को अनगिनत मंत्रों से सुशोभित किया गया है। एक दो मंत्र हम आपको सुना देते हैं। ओम आ कृष्णे न रजसा वर्तमानो निवेतयन अमृतम मर्त्यांच हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न इत्यादि मंत्रों से भगवान सूर्य का पढ़कर हमें अर्घ देना चाहिए। और ज्योतिष में सूर्य जब प्रबल होता है तो हमें अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान दान जप तप श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति होती क्या है। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं। इनमें 2 संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, एक मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस समय किए गए जप और दान का फल कई गुना होता है। अभी वर्तमान में जब सूर्य धनु राशि पर होते हैं तो उस समय दक्षिणायन होता है और उस समय पतझड़ ऋतु, जिसको हेमंत ऋतु हम लोग बोलते हैं, इस समय प्रकृति में सब कुछ पत्ते झड़ते हैं, वनस्पतियां जो फल नहीं फलते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है हमारे प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, नए नए पुष्प पत्ते निकलते हैं और नए ऋतु की प्रारंभ होती है और शिशिर ऋतु की गणना होती है और इसी समय से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर किया गया दान 100 गुना होकर वापस फलीभूत होता है। मकर संक्रांति के दिन घी तिल कंबल खिचड़ी दान का खास महत्व है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ और खिचड़ी के दान से किस्मत बदलेगी। जैसा कि हमारे शास्त्रों में सूर्य 12 राशि पर विचरते रहते हैं और हर प्रति माह के 14 या 15-16 तारीख में यह अपनी राशि बदलती है। धनु राशि में जब सूर्य आते हैं तो उस समय सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में या शास्त्रों में सूर्य का मकर राशि में आना बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल में दान देना, स्नान करना या श्राद्ध कार्य करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की विशेष महिमा बताई गई है।
तो आप भी मकर संक्रांति पर स्नान और दान करके पुण्य के भागी बने। आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं के दान से क्या लाभ मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना का पर्व है और सूर्य देव के बिना संसार में तो जीवन संभव ही नहीं। मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करके आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। मकर संक्रांति और खिचड़ी भी एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कैसे जुड़ा मकर संक्रांति और खिचड़ी का संबंध, मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी, ये अब आपको बताएंगे। दान और पुण्य का दिन मकर संक्रांति। देवों की कृपा पाने का दिन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर दान से होता है कल्याण। मिट जाती है दरिद्रता, मिलता है वरदान। मकर संक्रांति सूर्य को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन भगवान सूर्य से मनचाहा वरदान मिलता है। ऐसे में गंगा स्नान और भगवान भास्कर की आराधना बेहद लाभकारी हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान करने के पश्चात नाना प्रकार के अन्न, चावल, दाल और सब्जियां, ये सब नौ ग्रहों को संतुलित करते हैं। जैसे चावल से चंद्रमा और शुक्र संतुलित होता है और नाना प्रकार के दाल जैसे चना के दाल से बृहस्पति मजबूत होता है, उलद के दाल से राहु केतु मजबूत होता है और मेष मास माने कि उलद से शनि ग्रह भी प्रबल होते हैं। इसलिए हमें नाना प्रकार के दाल और अन्न से दान करना चाहिए और हरी सब्जियां से बुध ग्रह प्रबल होते हैं और मसूर दाल से मंगल और सूर्य प्रबल होते हैं। इसलिए हमें मकर संक्रांति के दिन नाना प्रकार के अन्न को मिश्रित करके ब्राह्मण को उचित दक्षिणा के साथ दान करें। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में मकर संक्रांति को शुभ तो माना ही गया है। इसके साथ ही मकर संक्रांति से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति को कैसे मनाते हैं। सुबह स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गीता के एक अध्याय का पाठ करें, नए अन्न कंबल तिल और घी का दान करें, भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं, भगवान को भोजन समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन तिल का दान भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तिल का वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आइए आपको भी बताते हैं कि तिल का दान क्यों महत्वपूर्ण है। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज दो तरह के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में दोनों ही लगभग एक समान होते हैं। तिल स्वभाव से भारी रोगनाशक और केशवर्धक होता है। तिल के दाने कैल्शियम के तत्वों को मजबूत करते हैं। पूजा के दीपक में और पित्रकारी में तिल के तेल का प्रयोग होता है। मकर संक्रांति में तिल का दान विशेष लाभ देता है। मकर संक्रांति के दिन तिल खिचड़ी का दान और खिचड़ी खाने से भी कल्याणकारी लाभ होता है। तो आइए आपको भी बताते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व। चावल, दाल, नमक और कुछ सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनती है। मकर संक्रांति पर नए अन्न की खिचड़ी खाने से आरोग्यता का वरदान मिलता है। इससे शरीर नए मौसम के लिए तैयार होता है। खिचड़ी के साथ घी खाना चाहिए। इस दिन ताजी खिचड़ी ही खानी। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का ज्योतिष महत्व भी होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि खिचड़ी किस तरह से ग्रहों का भी समावेश होता है। खिचड़ी में चावल चंद्रमा का प्रतीक है, काली उड़द की दाल शनि का प्रतीक है, हल्दी बृहस्पति और नमक शुक्र का प्रतीक है, विभिन्न सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं, खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य से संबंध रखती है। इस तरह से खिचड़ी खाने से सारे ग्रह मजबूत होते हैं। सूर्य का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे ज्योतिष में भी और शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जैसा कि सूर्य का मंत्र होता है
ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेतयन्नमृतम् मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो दाति भुवनानि पश्यन्न। इस वेद मंत्र का या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का ब्राह्मण द्वारा उचित जप करवावे या सूर्य के प्रबलता के लिए हमें स्वर्ण का गेहूं का गुड़ का या फिर मसूर दाल का दान करना चाहिए। तो इस मकर संक्रांति सूर्यदेव की उपासना कीजिए और ज्योतिषियों के बताए उपायों को करिए, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। पूजा आराधना स्नान दान इन सारी चीजों से इंसान का होता है कल्याण और जब किसी विशेष संयोग पर ये पुण्य कार्य किए जाएं तो इसका महत्व और भी प्रभाव बढ़ा सकता है। मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान पूजा पाठ से ज्यादा दान को महत्व दिया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है और दान देने के लिए किन किन नियमों का होता है पालन, जानिए दान से जुड़ा हरेक रहस्य। मकर संक्रांति का अपना ही महत्व है। इस दिन दान पुण्य से आपको अक्षय पुण्य प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको दान का विशेष लाभ मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं दान के नियम। मकर संक्रांति के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान या जहाँ भी कोई तालाब सरोवर हो, और खिचड़ी यानी कि नाना प्रकार के अन्न और सब्जियों का हमें दान करके उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसमें तिल और लाल कुमकुम या चंदन डालकर हमें भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का ओम एहि सूर्य सहस्रासो तेजो रासे जगतपते अनुपंकम भक्त्याग्निहारार्घम दिवाकर इत्यादि मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ देने से हमारे कुंडली में ज्योतिष के अनुसार सूर्य प्रबल होता है और हमें शुभ फल प्राप्त कराता है। मकर संक्रांति पर किया हुआ दान अक्षय फलदायी होता है। सुबह स्नान करके सूर्य को जल दें, भगवान की पूजा उपासना करें। इसके बाद अन्न का घी का और वस्त्र का दान करें। चावल दाल सब्जी नमक और घी का दान सर्वोत्तम होता है। शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मकर संक्रांति इस बार तमाम खुशियां लेकर आई है। इस शुभ मौके पर आप भी स्नान और दान करें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो चलिए मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। इसी के साथ हमें फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा जीएनटी के साथ।